हेलो एवरीवन, भरत यार। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रियलमी GT 60 के बारे में। विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। सो ये लॉन्ग वीडियो रहेगा, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका रिव्यू रहेगा। मैं इसको यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ से। 2 मंथ से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ एंड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं कोई गेमर नहीं हूँ और गेमिंग का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे इसमें। मतलब मैं इसको गेमिंग मैंने टेस्ट किया हुआ है, BGMI या फिर नॉर्मल क्रिकेट गेम्स या नॉर्मल गेम्स मैंने टेस्ट किया है। बट उसके अलावा एंड यूजर परफॉर्मेंस कैसा है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कि ये किसके लिए, रियलमी ने किसको टारगेट किया है, क्यों टारगेट किया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, और किसको लेना चाहिए, किसका बजट है वो उसके उस रेंज में आपको लेना चाहिए कि नहीं है, 25-30 के, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये जो रियलमी GT जो लॉन्च हुआ था सम अराउंड जून या जुलाई में जब लॉन्च हुआ था, तब इसका प्राइस आई थिंक फॉर 8 128 GB कुछ 33 था। तो उसके बाद आई गेस रियलमी ने इसको डिस्काउंट भी ऑफर किया हुआ है। मैंने इसको बाय किया था August 20 को। मैंने रियलमी के वेबसाइट से बाई किया है और ये 8 256 GB वेरियंट है, ठीक है। और ये 8 256 वेरियंट है और इसमें मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था 4,000 रुपीज का। तो आई गॉट समवेयर अराउंड 29 या 30 K में मुझे मिल गया था ये, ठीक है। और ये बैंक ऑफर था, ठीक है। इस बॉक्स में आपको एक चार्जर मिलता है, ठीक है। मैं आपको बॉक्स का जो अंदर जो रहता है वो आपको दिखाता हूँ, बट मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स किया था तो इसके अंदर कुछ खास इतना इन डिटेल में नहीं मिलता है। इसमें चार्जर या फिर एक केस मिलता है जो वो ऐसे दिखता है, ठीक है। वो ऐसे दिखता है, एक नॉर्मल TPU काइंड ऑफ केस है। इसको बहुत लोग बोल रहे हैं कि YouTube पे कि बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं लग रहा है कुछ अच्छे क्वालिटी का है। इट्स काइंड ऑफ वेरी चिप क्वालिटी। इसमें कर्व भी प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल TPU केस है। उसके बाद ये स्टिकर टाइप दिया हुआ है रियलमी ने। आई थिंक ये एक्चुअली मैंने यूज तो नहीं किया, बट आई थिंक ये प्रोटेक्ट करने के लिए, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वन, ठीक है। उसके अलावा रियलमी ने एक 120 वॉट का चार्जर दिया है और वो चार्ज कुछ 100 वॉट चार्ज सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ये फोन के बारे में, अभी मैं इसको सब कैटेगरीज मैंने माना सेग्रीगेट किया है पूरा, ठीक है। तो इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे इसकी लुक्स वाइज और इसकी बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो स्किन लगाया हुआ है क्योंकि लुक्स वाइज के लिए ये मेरे हिसाब से इतना कुछ खास लुक नहीं देता। ये ग्रे वाला है, ठीक है। तो प्राइस टैग ऑफ 30 K में इतना कुछ एंटाइसिंग लुक नहीं है उसका, बट इट्स ओके वन, ठीक है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर आपको फ्रंट में बॉडी में गोरिल्ला विक्टस 2 दिया हुआ है, बैक में और साइड एजेस में पूरा प्लास्टिक है। तो ये आपको बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा कि आपको अगर ये रेंज में कुछ आपको एल्यूमिनियम चाहिए साइड एजेस में या फिर मेटल चाहिए तो आपको ये स्किप करना होगा। ये फोन को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, बट फ्रंट में गोरिल्ला विक्टस 2 दिया है। ये रियलमी क्लेम कर रहा है, ये रियलमी बोल रहा है कि गोरिल्ला विक्टस 2 है, बट मुझे नहीं पता ये कितना सच है। लोगों ने इसको टेस्ट किया हुआ है और बहुत यूट्यूबर लोग इसके बारे में बोला भी है कि विक्टस 2 है, बट मैं चाइनीज कंपनी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो गोरिल्ला विक्टस 2 हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है। मैंने इसको ड्रॉप टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं ये पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं वो चीज नहीं कर सकता, तो पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता उसके लिए, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है गोरिल्ला विक्टस 2, ठीक है। इसमें 3.5 mm जैक नहीं है, ठीक है। इसमें IR ब्लास्टर है, मुझे तो यूज करने का भी मौका नहीं मिला, बट अगर आपको का अगर आयर ब्लास्टर का शौक रहेगा तो आप यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और नीचे स्पीकर है, ठीक है। और फ्रंट में जो ईयर पीस है वहां पे भी वो स्पीकर है, तो ड्यूल स्पीकर है। और नीचे USB टाइप सी है सपोर्ट किया हुआ है।
बाकी कमिंग टू इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द फोन इज द डिस्प्ले. डिस्प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, क्योंकि यही एक्चुअली आई कैची अबाउट द फोन. ठीक है, आप अगर परचेस कर रहे हो रियलमी जी टी तो आपको ऐसा लगेगा कि पहला चीज जो है इसका फ्रंट इंटेक जो है वो है इसका डिस्प्ले. तो डिस्प्ले जो है कंपनी ने 1.5 ओएलईडी डिस्प्ले दिया हुआ है. ठीक है, ये ओएलईडी डिस्प्ले का जो खास है कि ये आपको 600 निट्स तक जाता है. ठीक है, कंपनी बोलता है इसको 600 HBM तक जाता है. बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस कैन इजीली बीट S24 अल्ट्रा ऑल्सो. ठीक है, ये प्राइस टैग में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है चलो यार, अगर कंपनी बोल रहा है रियलमी बोल रहा है तो शायद से वो बीट भी कर सकता है. ठीक है, बट मेरे हिसाब से मैंने इसको खुद टेस्ट किया हुआ है. मैंने मतलब सैमसंग स्टोर में गया था और मैंने नेक टू नेक इसको टेस्ट किया था. सैमसंग S24 अल्ट्रा को इसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते इसके डिस्प्ले में. उसका डिस्प्ले वे अहेड है मेरे हिसाब से. और दूसरी बात है वो डिस्प्ले बहुत वाइब्रेंट है, आई कैची है. हाँ ठीक है, उसका प्राइस टैग उतना है 1,20,000, बट वो डिस्प्ले बहुत ही आगे है, इससे बहुत आगे. वो एक्चुअली QHD डिस्प्ले, अगर QHD डिस्प्ले छोड़ दीजिए, मैंने उसको QHD डिस्प्ले में सेटिंग में भी सेम टू सेटिंग इसका भी किया था मैंने, एक्स्ट्रा वाइडनेस और जो भी फीचर्स दिया हुआ है वो मैं फीचर्स के बारे में बताऊंगा अभी. तो वो फीचर्स को सेट करके भी आपको उतना कंपेयर में होगा ही नहीं, क्योंकि वो QHD है. बट नॉर्मल डिस्प्ले जब आप 1080p में कन्वर्ट करते हो या 2K में कन्वर्ट करते हो तभी भी S24 अल्ट्रा बहुत आगे चला जाता है. तो आपको ये चीज बहुत दिमाग में रखना होगा कि 30K के जो रेंज में जो फोन है उसी पर वैसे ही इसका जो रेंज में आपको डिस्प्ले मिलेगा. आपको ऐसा कुछ डिस्प्ले नहीं मिलने वाला कि यार 24 अल्ट्रा जो डिस्प्ले है उसके हिसाब से मिलेगा. नहीं नहीं, नहीं. आपको वो चीज के लिए बहुत ध्यान रखना है. ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेटिंग में ना बहुत कुछ दिया हुआ है रियलमी ने डिस्प्ले के, मैं यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन में जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, फिर आप अगर आप ये नेचर टोन डिस्प्ले, ब्राइट HDR मोड. अभी ब्राइट HDR मोड के बारे में मेरे को आपको बताना है कि ये एक ऐसा फीचर है जहां पे ना बिफोर अपडेट बहुत यूजफुल नहीं रहा है मेरे साथ. मतलब वो एकदम ही घटिया ही, मतलब इट इज लाइक नॉट एट ऑल वर्थ वाइल. आप इसको अगर टर्न ऑन करोगे और यूट्यूब के वीडियोज देखोगे पूरा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस में पूरा एकदम डिफरेंट ही लुक देता है, एकदम डार्क हो जाता है. और वो ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों, ये बग है और ये रियलमी को फिक्स करना चाहिए. उसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये स्क्रीन रेजोल्यूशन में हाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है और ये अडेप्टिव दिया हुआ है, जिसका आई थिंक वो शायद से मेरे हिसाब से बैटरी कंज्यूम ज्यादा होगा और अडेप्टिव रहेगा. तो ये मेरे हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड में रखा हुआ है, मैंने हाई में नहीं रखा है. बट मैंने जब टेस्टिंग किया था S24 अल्ट्रा के साथ तो मुझे इतना पता चला कि इसका ब्राइटनेस जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता है, दैट इज फॉर श्योर. S24 अल्ट्रा ऑफकोर्स उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और यू नो वो सैमसंग का खुद का प्रोड्यूस डिस्प्ले, शायद से रियलमी भी वहां से ही परचेस करता होगा वो डिस्प्ले इसमें डाल रहा होगा, बट उसके रेंज वाइज से वो डिफरेंस है. ठीक है, तो ये डिस्प्ले के बारे में मुझे बोलना था. अगर आपको यही डिस्प्ले यही रेंज में अगर आप डिस्प्ले कंपैरिजन करोगे तो सभी का डिस्प्ले सेम ही रहेगा. सैमसंग का जो M55 है, F55 है, M55S जो अभी लेटेस्ट है, शायद से इसका उसका डिस्प्ले थोड़ा वो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट हो सकता है. अगर आप वाइब्रेंट और आपको ओवर प्रोड्यूसिंग डिस्प्ले चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर सैमसंग. सैमसंग डिस्प्ले में बहुत सही है, मतलब उसको इसके आप कहीं भी नियर बाय कंपेयर नहीं कर सकते हो. ठीक है, अभी वो दूसरी बात आई यहां पे 5G. ठीक है, अभी मैं इससे पहले ना M34 यूज कर रहा था. ठीक है, हार्डवेयर वाइज 5G जो है M34 का जो 5G है वो एकदम ही बेकार है. मतलब वो स्पीड वाइज बहुत अच्छा है बट कॉलिंग के लिए बहुत वर्स्ट है. ठीक है, आपको 10 बार हेलो हेलो बोलना पड़ेगा तभी भी एंड यूजर को कॉल मतलब यूजर को आवाज नहीं जाएगी. उसको आपको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको 4G में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाद में आवाज आएगी. मतलब मिड रेंज में जो सैमसंग के हार्डवेयर जो है ना वो एकदम ही वर्स्ट है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट बाइंग सैमसंग. ओके, अभी
यहाँ पे 5G प्लस नहीं मुझे कहीं पे दिखा, मैंने इसको टेस्ट किया एयरटेल और जियो से, BSNL का तो 5G अभी तक आया भी नहीं है और कौन सी स्टेट्स में आया मुझे पता भी नहीं उसके बारे में। तो मैंने एयरटेल और जियो अच्छे से टेस्ट किया है, मैंने 5G प्लस तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा, उसका फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। रियलमी इसको एनबेल कर सकता है अपडेट के साथ, बट मुझे 5G प्लस कहीं भी नहीं दिखा। मुझे मैक्स टू मैक्स 5G में जो स्पीड मिला है 400 Mbps, वो भी एयरटेल है। जियो का तो इट्स नॉट वर्थ वाइल बिकॉज वो 300 के ऊपर कभी जाता ही नहीं। ठीक है, 5G का जो स्पीड है सभी तरह बहुत अच्छे से काम करता है, कॉलिंग के लिए इज वेरी गुड। आप कहीं भी 5G ऑन करके कहां पे भी जाओ, यू डोंट हैव टू यू नो स्ट्रगल एज आई हैव डन फॉर M34। आपको स्विच बैक नहीं करना, आपको जैसे चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एक एंड यूजर के लिए हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियलमी ने इसके ऊपर 5G के ऊपर जरा अच्छे से ध्यान दिया हुआ है। जो सैमसंग एक्चुअली ये मिड रेंज में आपको M55S जो है उस रेंज में अच्छा मिल सकता है, बट ये M34 M35 इसको तो आपको कम्प्लीटली बायकॉट ही कर देना चाहिए, बिकॉज द रीजन इज वो जो फोन है उसके 5G स्पीड अच्छा रहेगा बट 5G कॉलिंग वर्स्ट रहेगा। ठीक है, कमिंग बैक टू परफॉर्मेंस, अभी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात है इसकी, क्योंकि परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है रियलमी ने ये प्राइस में बहुत अच्छा चिपसेट दिया हुआ है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक 7 Plus Gen 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आई गेस इक्विवेलेंट टू 8 Gen 2 रहेगा या 8 Gen 1 रहेगा आई गेस, और MediaTek का आई समवेयर अराउंड आई थिंक सो 8300 अल्ट्रा जो है MediaTek चिपसेट जो है डायमंड सिटी वाला उसके साथ इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि इसका AnTuTu बेंचमार्क जो है मैंने यूट्यूबर लोग से देखा हुआ है, मैंने खुद ने तो नहीं किया इसमें बट मुझे कहीं दिखा हुआ है कि 13 लाख तक जाता है। ठीक है, और 13 लाख के हिसाब से बहुत फ्लूइड है फोन, मतलब आप कुछ भी करो, आप कैमरा में स्विच मारते हो, एनीथिंग यू डू इट इज लाइक आप मल्टीपल एप्स डालो, आप बहुत फ्लूइड है, एंड यूजर को कभी इशू नहीं आएगा। बहुत फास्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्ट है एकदम ही, मतलब आप कुछ भी ऐप ओपन करते हो तो बहुत एकदम फ्लूइडली ओपन होता है। और एनिमेशंस में रियलमी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं देखा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये एनिमेशन देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये 120Hz भी नहीं है, दिस इज आई गेस लेसर देन 120Hz, और इतना फास्ट और सही है कि आपको ऐसा लगा कि रियलमी ने इसमें एनिमेशन में बहुत अच्छा काम किया है। जो कलर ओएस जो इनका है उसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो चिपसेट के वाइज जो है रियलमी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जो ये प्राइस रेंज में आपको ये चिपसेट मिलना वन प्लस नॉर्ड में मिल सकती है, वन प्लस नॉर्ड 4, ठीक है, और मैं वन प्लस रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वन प्लस का जो अभी टाइम चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है, मतलब इट्स नॉट गोइंग गुड एक्चुअली इन द मार्केट, मतलब मदरबोर्ड इशू आ रहे हैं, ग्रीन लाइन के इश्यूज आ रहे हैं यार, फिर आप अगर परचेस करोगे तो आप रिग्रेट भी कर सकते हो, दे आर प्रॉमिसिंग 4 years ऑफ अपडेट ऑल्सो, वो अपडेट में अगर आप इन फ्यूचर में कोई ऐसा अपडेट मतलब एंड्रॉइड वर्जन का डाल दोगे और उसमें मदरबोर्ड ऑफिस से भी आ सकता है, अभी उनका इशू सही नहीं चल रहा है, तो इन फ्यूचर में वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। तो वन प्लस नॉट तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इसका जो फ्यूचर का अपडेट आने वाला है वो भी अच्छा रहेगा, मैं वो बोल नहीं सकता, क्योंकि देखिए कैसे है ना, दिस आर ऑल चाइनीज कंपनीज, मैं एक ये ना ऐसी बात कर रहा हूँ जो एक यूट्यूब में ना कोई बात नहीं कर रहा है इस चीज के ऊपर, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बारे में हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो चिपसेट जो है वो 7 Gen 7 Plus Gen 3 है, जो बहुत सही है, ठीक है, बहुत फ्लूइड है, आप गेमिंग करो बहुत सही से गेम कर सकते हो, BGMI में आप 70 और 80 FPS में आप आराम से खेल सकते हो, 90 में भी खेल सकते हो, ओवरहीटिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे को कहीं भी ओवरहीटिंग नहीं लगा, जब चार्ज करता था तभी भी ओवरहीटिंग नहीं लग रहा था मुझे, तो आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, अभी वो अलग दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है UI, ठीक है, UI जो है इसका जो आता है वो कलर हो इसका UI, ठीक है, मैं आपको सेटिंग्स में दिखाता हूं इसका। ठीक है, ये जो UI है जो कलर ओएस है, ठीक है, ये एंड्रॉइड UI 14 पे चल रहा है, ठीक है, मैंने इसको अपडेट अभी तक किया नहीं है, ठीक है, 14 पे चल रहा है, और इसको कंपनी बोल रही है कि 3 years का अपडेट आएगा, मतलब 15, 16, 17,
ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि यार ये 17 तक आएगा क्या, 16 विल बी द लास्ट, नहीं 16 नहीं 17 तक तो आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट अपडेट ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स आया था ये, तो 15 16 17 ये 3 अपडेट्स तो आएंगे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पैच आएगा जो 4 इयर्स का रहेगा, ठीक है, विच इज वेरी गुड, विच इज अ वेरी गुड प्रॉमिस फ्रॉम द ब्रांड। मतलब ये आई गेस मेरे हिसाब से 30,000 के रेंज में बहुत अच्छा है, पहले ये लोग नहीं दे रहे थे, पहले दे वर गोइंग विद द 2 इयर्स, नाउ दे आर गोइंग विद मोर देन दैट, विच इज वेरी गुड। अभी यूआई के बारे में बोलूंगा तो यूआई जो है, मैंने वन प्लस का फोन यूज किया है, वन प्लस 8T मेरे पास जो है, उसका और इसका यूआई ना एकदम ही सिमिलर है यार, ये क्या मतलब समझना नहीं मुझे कुछ, एक एंड यूजर को पूरा कंफ्यूज करके रखा है रियलमी ने और ये कलर ओएस ने, ठीक है, तो ये एकदम बहुत ही सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कार्टूनिश तो लगेगा थोड़ा थोड़ा, और मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉपी भी किया है लोगों ने iOS के साथ, तो उसका आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, बट ठीक है कि एप्स आप जो भी और इसके अंदर मार्केट के एप्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट ये जो यूआई है ये आपको पिक्सल की यूआई के जैसा नहीं लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा कार्टूनिश यूआई है, बट इट्स अ गुड यूआई, इट्स नॉट अ वेरी वर्स्ट यूआई, मतलब इससे भी वर्स्ट मेरे हिसाब से रेडमी का यूआई है जो गंदा एकदम रहेगा, उससे भी गंदा रहेगा इन्फिनिक्स का है, या फिर टेनोर क्या कंपनी का नाम है, टेक्नो जो है, वो सब ब्रांड्स के जो यूआई है वो वर्स्ट रहेंगे, बट हाँ कलर ओएस बहुत अच्छा है, बट ये यूआई और वन प्लस की यूआई में खाली ये डिफरेंस है कि इसके अंदर ब्लोटवेयर ज्यादा है, ठीक है। अभी ये GT60 जो है ये 30,000 के प्राइस रेंज में, तो रियलमी को ना ये सोचना चाहिए था कि इसमें ब्लोटवेयर कितना कम हो सके उतना कम डाले, ठीक है। अभी भी ये जो चीज होती है, जब भी हम लोग कोई प्ले स्टोर से ऐप डालते हैं तो ये ऑफिस से सिक्योरिटी चेक करता है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ये रियलमी को फिक्स करना चाहिए ना, दिस इज नॉट गुड ना, या आप 30,000 के फोन में आप ये सब दे रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में ये लोग का जो ये गेम सेंटर जो है, फिर क्या कम्युनिटी सेंटर है, फिर इसके अंदर इंटरनेट का एक अलग से एप्लीकेशन है जो IR रिमोट, तो मैं समझ सकता हूँ वो इसके लिए है कंट्रोल के लिए, बट इंटरनेट का एक अलग से एप्लीकेशन, जो ये सब चीजें जो डाल के दी हुई है, थीम स्टोर का है, थीम स्टोर तो कोई यूज भी नहीं करता है, वीडियोस का एक अलग से एप्लीकेशन डाला हुआ है, अरे यार वीडियोस तो यार प्ले स्टोर में भी VLC जैसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जो इससे भी बढ़िया मैंने थर्ड पार्टी वीडियोस डाले हुए नेटफ्लिक्स से डाले डाउनलोड करके डाले हुए देख रहा हूँ, तो वो चलते ही नहीं है, मतलब ये कोडेक सपोर्ट नहीं करता है इसके अंदर, वीडियोस के अंदर, मतलब ये वीडियो का एप्लीकेशन वर्स्टफुल है, तो क्यों रियलमी ने यह सब दिया है, रियलमी को ये सब चीजें ये सब इश्यूज को फिक्स करना चाहिए, ठीक है, पहली। और दूसरी बात इसके फीचर्स, जो आपको जो फीचर्स मिलेंगे यूआई में वो ज्यादा ही एनिमेशन यूआईस, आपको फिंगरप्रिंट में जब आपको चाहिए तभी एनिमेशन मिलेगा, ये सब बहुत एक्स्ट्रा है जो एंड यूजर के लिए मेरे हिसाब से नहीं भी वर्कफुल रहेगा, बट इट्स ओके, ठीक है। बट यूआई में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स करना चाहिए कि ब्लोटवेयर ना आए, ये सब चीजें निकाल देना चाहिए, और इन फ्यूचर के वर्जन में मैं चाहूंगा कि रियलमी वन प्लस ना बन जाए यार, वन प्लस जैसा मतलब मदरबोर्ड इशू या फिर अपडेट करने के बाद कुछ यूआई इशू में से मदरबोर्ड इशू या फिर ग्रीन लाइन इशू नहीं है, क्योंकि ये बहुत हो रहा है, और वन प्लस एज अ ब्रांड, मैंने वन प्लस का बहुत फोन्स यूज किया है, मैंने वन प्लस 1 यूज किया है, 2 यूज किया है, 3T यूज किया है, अभी मेरे पास जो था 8T है, और ये सभी फोन्स में, पहले के फोन्स में तो ऐसे सब इश्यूज नहीं थे, अभी के फोन्स में मदरबोर्ड आ रहा है और ग्रीन लाइन, इसके वजह से बहुत कंसर्निंग है, और आई डू नॉट वॉन्ट कि रियलमी शुड फॉलो दैट फुटपाथ, यू नो। तो मेरे हिसाब से रियलमी जो इन फ्यूचर में जो 3 UIs जो आ रहा है उसके को अच्छे से संभाल के अच्छे से उसको एंटाइसिंग रखे, ठीक है, यूजर के लिए। अभी दूसरी बात है कैमरा जो है ये 50 मेगापिक्सल है, ठीक है, और फ्रंट में जो है इसका 32 मेगापिक्सल, ठीक है, अल्ट्रा वाइड है, पैनोरामा है और 4K सपोर्ट है, ठीक है, और यू नो फ्रंट में भी 4K सपोर्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये जिसका जो कैमरा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कैमरा जो है वन प्लस नॉट 4K जैसा हो सकता है, थोड़ा 70% ये अच्छा ही रहेगा, बट वो एकदम 100% ओवर बूस्टिंग है, आई कैची लगता है उसका जो आप ये बोलोगे कैमरा है, स्पेशली इन दी
पर्टिकुलर मोड्स विच दे आर प्रोवाइडेड, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी इसके अंदर मैं आपको कैमरा एप्लीकेशन दिखाना चाहूंगा, ये नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी इसके अंदर इन्होंने पोर्ट्रेट दिया हुआ, मोड्स दिए हुए, मोड्स में नाइट मोड्स दिया, प्रो मोड्स दिया, हाई रेस। ये हाई रेस जो है ये 50 मेगापिक्सल देता है, ठीक है। मैंने कुछ पिक्स क्लिक किए हुए और वो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ये आपके वीडियो में, रिकॉर्डिंग के वीडियो में आएगा कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। उससे आपको कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि हाई रेस कैसा दिखता है, प्रो कैसा दिखता है और क्या क्या डिफरेंसेस है। मैं मेजरली आपको कभी नहीं बोलूंगा कि प्रो यूज करें, आपको अगर चाहिए तो हाई रेस यूज कर सकते हो और या तो फिर आप फोटोज यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अभी दूसरी बात ये है, ठीक है, ये हो गया। अभी कैमरा में एक चीज मेरे को बहुत बुरी लगी, ठीक है। मैं एक ट्रिप में गया था लोनावाला के ट्रिप में, ठीक है, वहां पे थोड़ा नॉर्मल बारिश हो रही थी, यहाँ पे इतनी भी बारिश नहीं थी, ओके नॉर्मल ही हो रहा था। और मैंने ना फोन है ना अपने पॉकेट से इतना निकाला भी नहीं था, तो मैंने देखा कि मेरे फोन में ना मॉइस्चर, सॉरी ये कैमरा जो बैक जो कैमरा है ना, ये वाला यहाँ पे मॉइस्चर आ गया था, ये जो पार्ट जो है, ये जो है यहाँ पे मॉइस्चर आ गया था, ठीक है यार, ये बहुत कंसर्निंग था। ये जो चीज है ये 30,000 के फोन में तो नहीं होना चाहिए ना, ये रियलमी को पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि आप हिल स्टेशन में जाओगे, कोई ऐसे वेदर में जाओगे जहाँ पे यू नो जहाँ पे रेन्स ज्यादा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, यहाँ पे मॉइस्चर आने के ज्यादा चांसेस है। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद मैं शायद से यू नो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया था, तभी फोन्स का जो मॉइस्चर जो बैक में जो मॉइस्चर था वो चला गया था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल दिस पार्ट इज, मेरे को एक्चुअली लग रहा था मुझे रियलमी के स्टोर में जाना पड़ेगा ये फिक्स करने के लिए, बट इवेंचुअली मुझे नहीं जाना पड़ा, ठीक है। अभी दूसरी बात है बैटरी के बारे में। सो बैटरी जो है 5500 mAh है, ठीक है, और इसको सपोर्ट जो है 120 वॉट का सपोर्ट है, ये क्विक अल्ट्रा चार्ज इसको बोल रहा है रियलमी, अपने आप को कुछ ज्यादा ही एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं लोग, और सपोर्टेबल इज 100 वॉट, ठीक है, और इसमें आपको बहुत जल्दी क्विक चार्ज होगा, 35-40 मिनट्स में 100% पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका SOT जो मुझे मिला है समवेयर अराउंड 10 आवर्स का SOT मुझे अच्छे से मिला हुआ है, ठीक है, 10 आवर्स भी है, 1055, मैंने इसके बहुत सेटिंग्स भी किए हुए हैं क्योंकि मेरा यूसेज बहुत कम है, मेरा यूसेज मतलब आई एम वॉचिंग ऑल दी सीरीज, ऑल दी मूवीज, ठीक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो इसके वजह से मैं गेम्स नहीं खेलता, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं गेमर नहीं हूँ और ये गेमर्स लोग के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये गेम सेंट्रिक फोन है या फिर ये, उसका मैं रिव्यू इन डिटेल में नहीं दे सकता, बट मैंने गेम्स थोड़े थोड़े खेले तो उसके जजमेंट में आपको बता सकता हूँ, नॉर्मल गेम्स अच्छे से आप खेल सकते हो, ठीक है। तो रही बात बैटरी की, मैंने स्क्रीनशॉट भी डालूंगा कि मेरे को लास्ट टाइम कितना SOT मिला था, ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे सेटिंग्स है, ठीक है, ये GT मोड है, मैंने ऑन नहीं किया हुआ। आपको अगर अच्छे से इसका यू नो बैटरी अच्छा इंप्रूव करना है तो यहाँ पे मोर सेटिंग्स में जाओगे, ऑटोमाइज बैटरी यूज, ये ऑटो ऑटोमाइज करना है आपको, ठीक है। ये ऑटो ऑटोमाइज कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा और ये बैटरी कंज्यूम बहुत कम करेगा, ठीक है। और ऐप क्विक फ्रीज, ये जो ऐप क्विक फ्रीज जो है ये बेसिकली क्या है, इसको मैंने टर्न ऑन किया था, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम क्या है इस ऐप क्विक फ्रीज का, इसका यूजफुल क्या होगा कि आप जैसे ऑन करते हो ना, मल्टीटास्किंग आप ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल जियो सिनेमा मैंने टर्न ऑन कर दिया, ठीक है, टर्न ऑन कर दिया, तो आप अगर आपको ये आप कुछ सीरीज देख रहे हो और आपने बंद कर दिया और बैकग्राउंड में रहेगा, वो बैकग्राउंड में फिर ऑफिस से आपको रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये मैंने टर्न ऑन किया था, बट ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, ठीक है, ये शायद बग है रियलमी के अंदर, जो ये ऑटोमेटिकली सभी एप्लीकेशन मैंने टर्न ऑन किए थे बट ये अभी ये ऑफ दिख रहा है, बिकॉज द रीजन इज ये बग है, रियलमी को ये फिक्स करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ऐप बैटरी मैनेजमेंट, ठीक है, मैंने अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटी किया है, मतलब इससे भी बैटरी जो सॉरी जो ऐप जो है बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करेगी, तो इसके वजह से मुझे ऑलमोस्ट
और एक चीज है, सॉरी मैंने बताना भूल गया, ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय जो है, ये ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय यहाँ पे फीचर आता है, ये आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे बैलेंस मोड है, अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड, अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड जो आप यूज करोगे तो बहुत सही मिलेगा आपको। उससे क्या होता है, बैटरी का कंजम्पशन जो है और कम यूज होगा, और आपको समझो आपके पास टेलीग्राम है या फिर कुछ भी एप्लीकेशन है जहां पे नोटिफिकेशन आना चाहिए, व्हाट्सएप हो गया, तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन फोर्टनाइट में नहीं आएगा, ठीक है। ये अभी ये चीज हो गई। सो बैटरी जो है ऑफकोर्स ये 5500 एमएच की बैटरी है, और डिस्प्ले भी इतना हैवी है, और इतना हैवी है तो इसके वजह से बैटरी कंजम्पशन तो होएगा ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5500 इज अ गुड वन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रियलमी को 6000 तो दे, क्योंकि 6000 अच्छे टाइम पे बहुत, अभी तो कॉमन नहीं हुआ है, बट आई गेस नेक्स्ट ईयर से जो 2025 से जो भी फोन आएंगे वो 6000 एमएच रहे, और बैटरी तो अभी तक तो बहुत अच्छा। अगर आप गेमर हो तो शायद से आपको कम एसओटी मिल सकता है, ठीक है, 6 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, 6 आवर्स के नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल ये फोन जो है बहुत बढ़िया फोन है, ठीक है। ये प्राइस टैग पे आपको इसके कॉम्पिटिटर्स जो फोन्स है, जैसे वन प्लस नॉर्ड हो गया, फिर आईक्यू का Z9S Pro हो गया, फिर M55S हो गया, ठीक है, जो सैमसंग का है, मुझे ओप्पो का पता नहीं क्योंकि ओप्पो तो ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा चलता है, हाँ, और दूसरा है Xiaomi का 14CV करके कुछ फोन है, ठीक है। ये जो कॉम्पिटिटिव फोन्स है, अगर आपको ऐसा पिक करना है तो आप मेरे हिसाब से आप एंड यूजर के लिए या तो एक पिक कर सकते हो रियलमी GT60, इसके बाद आप सेकंड रख सकते हो आपके लिए सैमसंग M55S, बट वो चिपसेट थोड़ा ओल्ड है, उसके अंदर वही प्रॉब्लम है, और आप उसके कॉलिंग फीचर के एक बार चेक कर लेना कि वो कैसा है कि नहीं, क्योंकि सैमसंग के फोन के लिए 5G का इश्यूज बहुत है, ठीक है। बाकी सब ये फोन के लिए अंदर बहुत सही है, ये फोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं, और होपफुली मैं 3 इयर्स और 4 इयर्स तक का रियलमी से अपडेट प्रॉमिस जो किया हुआ है वो होपफुली अच्छा हो, और आई थिंक कि मैं इन फ्यूचर में मैं बहुत रिलक्टेंट टू अपडेट्स करने के लिए, अपडेट्स डालने के लिए इसके अंदर, बिकॉज अभी भी ऑलरेडी इसके अंदर 2-3 अपडेट्स आए, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फोन डिस्टर्ब हो, ठीक है। बहुत लोग यूट्यूबर लोग कर देते फिर देयर इज अ इशू ऑफ मदरबोर्ड एंड रील लाइन, जो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इन फ्यूचर में आई गेस रियलमी जो भी एंड्रॉयड वर्जन अपडेट्स देगा वो वन प्लस जैसा ना होने, तो फिर मुझे भी रियलमी बायकॉट करके ऑफिस से सैमसंग में जाना पड़ेगा। एनीवेज ये रिव्यू था जो वेरी लॉन्ग रहा है, ठीक है, आप होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई होप यू गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।